हेलो बच्चा बर्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 12 का ई सॉरी 21 का ई। बुक फॉलो कर रहे हैं आर एस अग्रवाल। टॉपिक है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस वाले एक्सरसाइज का 1 से लेकर के 34 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12th आर एस अग्रवाल डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलो बच्चों अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर एक्स क्यूब गिवेन दैट वाई बराबर 1 एंड एक्स बराबर 2। मतलब जो 35 से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से आपको क्या निकालना है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब लास्ट में सी का जो वैल्यू आता है उसमें एक्स और वाई का वैल्यू पुट करके सी का वैल्यू निकालेंगे, उसका वैल्यू पुट करते हैं जैसे हम लोग पिछले वाले एक्सरसाइज में करते थे। चलो ठीक है, उस टॉपिक को अभी होल्ड रखो, पहले इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन। एग्जाम में प्रेजेंटेशन देने का एकदम तरीका रखो, 100% नंबर मिलेगा। यहाँ क्या दिया हुआ है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर कितना, इधर से एक्स क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या कहता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के dy अपॉन dx अकेले रहेंगे, यहाँ पर साथ कौन धर लिया, x धर लिया। नहीं देखो, dy लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या फॉर्म है, dy अपॉन dx प्लस dy इक्वल्स टू q। dy अपॉन dx पे गौर से देखो क्या है, dy अपॉन dx अकेले है, यहाँ पर कौन इसका, वो नहीं घर से बाहर निकलते कोई छोटका बच्चा या दोस्त सब हम भी जाएंगे, वही हाल इसका है। हम उसको क्या करेंगे, हटाएंगे x को, तो x कैसे हटेगा बोलो, कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का क्या नियम है, जिसमें होता है उसमें खत्म हो जाता है, जिसमें नहीं होता उसमें डिवाइड लग जाता है। वाई में एक्स नहीं है, इसमें डिवाइड लग जाएगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। चलो अब यहां से हमने dy अपॉन डी सॉरी x कॉमन लिया, तो यहां हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस y अपॉन, इसमें डिवाइड लग जाएगा x से, यहां हो जाएगा x क्यूब। तो यहां dy अपॉन dx ठीक है, यहां देखो 1 / y अपॉन x को, 1 / x को अलग और y को अलग, ई x को इसके नीचे में ले आएंगे तो x क्यूब बट्टा x, यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर। फाइनली dy अपॉन dx प्लस 1 / x इंटू कितना y बराबर कितना, इधर x स्क्वायर बचा, x से कट जाएगा क्यूब वाला तो x स्क्वायर बचेगा। ये वाला जो वैल्यू होगा, p का वैल्यू कितना 1 / x और q का वैल्यू कितना x स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होता है, आई एफ। आई एफ का मतलब क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फॉर्मूला e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी का वैल्यू 1 / x है तो यहाँ जो डी एक्स, 1 / x का इंटीग्रेशन कितना होता है लॉग एक्स, e टू दी पावर लॉग एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, सिर्फ x होता है, ये हमारा आई। नाउ अब फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू कितना आई एफ बराबर में आई एफ इंटू कितना q, इंटीग्रेशन कितना इधर से dx। तो y तो ठीक है, if if की जगह पर कितना सॉरी if कितना निकाले हैं, यहाँ x, if की जगह पर x दो, q का वैल्यू कितना x स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर इंटू dx। x को पहले लिखो, y को बाद में, x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब बट्टा में सॉरी x क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ एक्स वाई बराबर कितना, जितना पावर एक ऐड कर दो बट्टा में नया पावर से डिवाइड दे दो प्लस को भी कांस्टेंट टर्म सी। ये रहा हमारा इक्वेशन 1। यहां तक हम यहीं पर आंसर लिख के छोड़ देते थे इससे पहले। अब हमें क्या करना है, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू पुट करना है। एक्स का वैल्यू कितना 2, तो हम यहाँ लिखेंगे पुट वाई बराबर कितना 2 एंड एक्स बराबर कितना हुआ 1 इन किसमें, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स वाई, एक्स वाई तो ठीक है, यहाँ पर कितना है सॉरी x और y की जगह वैल्यू पुट करेंगे ना, तो x की जगह पर कितना, एक मिनट उल्टा लग दिया है, y का वैल्यू 1 है x का वैल्यू 2 है, तो y की जगह 1 x का वैल्यू 2 था 2 × 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 1 और बराबर में कितना इधर x का पावर 4, इट मीन्स कितना 2 का पावर 4 और वट्टा में कितना इधर 4 प्लस सी, ठीक है। 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 × 4 × 8 × 16 होता है, यहाँ तो 16 बट्टा है 4 प्लस सी, काट दो 4 बार में कट जाएगा तो 2 बराबर कितना 4 प्लस सी, यहाँ पर 2 तो ठीक है 4 को इधर ले आओगे तो -4 बराबर सी, तो सी का वैल्यू कितना होगा -2। सी का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुट सी इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स वाई बराबर कितना है, देखो देखो तुम, एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स का पावर 4/4, एक्स का पावर
फोर अपॉन फोर, अब प्लस कितना सी, तो सी का वैल्यू माइनस टू, तो यहाँ पर प्लस हट जाएगा, सीधे यहाँ पर हम लोग माइनस टू लिखेंगे। आप आंसर इतना लिख सकते हो या नहीं तो वाई यहाँ ठीक है, एक्स को सबके नीचे में ले आओ, एक्स का पावर फोर बाई फोर एक्स माइनस टू अपॉन कितना एक्स, ये एक्स से काट दोगे तो यहाँ क्यूब बचेगा, वाई इज इक्वल टू फाइनली एक्स का पावर क्यूब बट्टा में फोर माइनस टू अपॉन एक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों 36 नंबर क्वेश्चन है, डीवाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स बराबर फोर एक्स इंटू कॉसेक एक्स, गिवेन दैट वाई बराबर जीरो एक्स बराबर फाइव बाई टू, तो इसका वैल्यू हम लास्ट में यूज करते हैं। तो पहले यहाँ जो दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ डीवाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस देखो कॉट एक्स को पहले लिख लो, आई इसको ब्रैकेट में लिख लो, वाई को अलग कर दो, ठीक है, यहाँ हो जाएगा फोर एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स, सॉरी कॉसेक एक्स ही, डी एक्स तो यहाँ हो गया ना। अब p का वैल्यू कितना, ये p का वैल्यू है बराबर के इस साइड जितना होगा q का वैल्यू, तो p बराबर कितना कॉट एक्स और q बराबर कितना फोर एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होगा, आई एफ, आई एफ का मतलब e टू दी पावर पी डी एक्स, यही तो फॉर्मूला होता है। पी पी का वैल्यू कितना कॉट, यहाँ कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा लॉग साइन एक्स, तो ई टू दी पावर लॉग एक्स का क्या होता है एक्स होता है, साइन एक्स है तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ साइन एक्स, ये निकला हमारा आई एफ, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या लिखेंगे फॉर्मूला, तो वाई इंटू कितना आई एफ और बराबर में कितना आई एफ आई इंटू कितना क्यू आई इंटू डी एक्स, ठीक है, y ठीक है, आई एफ के जगह पर क्या लिखेंगे हम इधर साइन x, आई एफ के जगह हमने लिखा इधर साइन x इंटू क्यू, क्यू की जगह कितना फोर एक्स इंटू कितना कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अब यहाँ देखो y इंटू साइन x तो सही है, y साइन x यहाँ पर एकदम सही है, फोर कॉन्स्टेंट है बाहर रखिए, फोर कॉन्स्टेंट है बाहर, यहाँ x को पहले फिर साइन x को, इंटू में कॉसेक एक्स है तो कॉसेक को वन बटा साइन एक्स लिख सकते हैं, इंटू कितना डी एक्स, ये कट गया, यहाँ पर क्या बचा वाई साइन एक्स इजक्वल टू फोर, यहाँ सिर्फ एक्स बच गया इधर डी एक्स, ठीक है। वाई साइन एक्स तो बिल्कुल सही है, फोर भी ठीक है, एक्स का इंटीग्रेशन कितना एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी कट गया तो यहाँ टू बचेगा, तो वाई इंटू कितना इधर साइन एक्स अब बराबर कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ पर टू बचेगा टू एक्स प्लस सी इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है बच्चों, y के जगह पर जीरो और x के जगह पर कितना पाई बाई टू, तो यहाँ हम पुट करेंगे, पुट y बराबर कितना जीरो एंड x बराबर कितना पाई अपॉन टू, तो y के जगह पर जीरो आई इंटू कितना साइन x, x के जगह कितना पाई बाई टू, टू एक्स के जगह कितना पाई बट्टा टू का होल स्क्वायर प्लस सी, ये टर्म इधर वाला जितना भी होगा सब तो जीरो, यहाँ कितना हो जाएगा टू तो सही है, पाई स्क्वायर बट्टा में कितना टू का पाई बाई टू है जी, इसका स्क्वायर करेगा फोर प्लस सी, ये कट गया तो यहाँ पर से क्या करेगा सी बराबर कितना, इसको इधर ले आओगे तो माइनस पाई स्क्वायर बट्टा टू होगा, सी का वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पुट सी इज इक्वल्स टू माइनस पाई अपॉन टू, पाई स्क्वायर अपॉन टू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा वाई साइन एक्स कितना है वाई इंटू साइन एक्स बराबर में कितना टू एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, सी का वैल्यू माइनस पाई स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ सिर्फ माइनस पाई स्क्वायर बाई टू, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों 37 नंबर क्वेश्चन है, dy upon dx plus 2xy बराबर x, तो गिवेन दैट है y का वैल्यू कितना 1 और x का वैल्यू 0, ठीक है ना। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ हो गया dy upon dx plus 2x and 2y, देखो y को छोड़ के जितना भी टर्म रहेगा इधर ना इसको ब्रैकेट में कर लो, यहाँ x
क्योंकि ये वाला टर्म क्या हो जाता है, पी का वैल्यू अब बराबर के इस साइड जितना होगा क्यू का वैल्यू, ठीक है। तो पी बराबर कितना है इधर 2x और क्यू बराबर एक्स। अब यहाँ निकालेंगे आई एफ, आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर्मूला ई टू दी पावर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो ई तो ठीक है पावर में, सॉरी पी है, पी का वैल्यू कितना 2x, 2 बाहर कर दो, यहाँ एक्स है इंटू डी एक्स, तो यहाँ कितना जाएगा ई टू दी पावर 2, ठीक है एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ ई का पावर कितना एक्स स्क्वायर, ये क्या निकला हमारा आई एफ, क्या निकला ये आई एफ। अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला लगाओ नाउ, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है y इंटू कितना आई एफ बराबर में कितना आई एफ इंटू क्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, राइट। y तो ठीक है आई एफ, आई एफ की जगह पर e टू दी पावर कितना एक्स स्क्वायर, फिर आई एफ की जगह पर e टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू क्यू, क्यू की जगह पर कितना लिखेंगे x लिखेंगे, तो यहाँ x हो जाएगा इधर dx हो गया। तो यहाँ पर अब देखो इसको कैसे मानोगे, इसको इंटीग्रेशन कैसे करोगे, याद करो e टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर को मानोगे तो इन डिफरेंशिएशन करके एक्स टू एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने माना पहले जेड इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर, मानने के बाद क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं डी जेड बट्टा डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, क्वेश्चन में 2 नहीं है लेकिन एक्स इंटू डी एक्स है, तो इसीलिए 2 को क्या करेंगे डी जेड के नीचे में ले आएंगे, इस dx को इधर ले आएंगे, ठीक है। अब y तो ठीक है e टू दी पावर कितना x स्क्वायर, यहाँ पर e टू दी पावर कितना x स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह पर z और x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स की जगह कितना dz by 2, ठीक है ये 1 by 2 को बाहर करेंगे, y इंटू e टू दी पावर कितना x स्क्वायर 1 by 2 बाहर, यहाँ e टू दी पावर z इंटू dz, ठीक है। अब यहाँ हो गया हमारे पास y इंटू ई टू दी पावर कितना एक्स स्क्वायर, तो ठीक है 1 बाई 2 भी ठीक है, e टू दी पावर z का कितना हो जाएगा e टू दी पावर z ही होगा प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म c, तो y इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाई 2 e टू दी पावर z, z के जगह पर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आप एक्स स्क्वायर लिखिए प्लस c, ये रहा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या पुट करेंगे y बराबर 1 x बराबर 0, तो यहाँ पुट करेंगे हमने y बराबर 1 एंड x बराबर कितना 0, तो y के जगह पर 1 e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर 0, 0 का स्क्वायर तो 0, 1 बाई 2 इंटू ई टू दी फिर से 0 प्लस c, किसी भी चीज का पावर 0 कितना होगा 1, तो 1 इंटू 1 कितना 1, यहाँ पर कितना 1 बाई 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 1 बाई 2 और प्लस c, मतलब यहाँ 1 कैसे आया सर, किसी भी चीज का पावर 0 कितना 1, यानी e टू दी पावर 0 कितना हो जाएगा 1, किसी भी चीज का पावर 0, हमारा पावर 0 कर दो हम 1 हो जाएंगे, कोचिंग का पावर 0 कर दो क्या हो जाएगा कोचिंग, वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये पेन है पेन नहीं क्या है मार्कर है, मार्कर का पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से 1 माइनस इसको इधर ले आओगे तो 1 बाई 2 बराबर c, तो 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, तो c का पावर कितना 1 बाई 2, c का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो यहाँ लिखेंगे पुट c इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, किसमें लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे y e टू दी पावर x स्क्वायर, y e टू दी पावर x स्क्वायर बराबर में 1 बाई 2 इंटू e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस c, c की जगह पर 1 बाई 2 हमने पुट करा, ठीक है ना। या तो आप इसको इतना आंसर लिख दो, या तो आप इसको इतना आंसर लिख दो, या नहीं तो क्या करोगे, देखो y बराबर इधर 1 बाई 2 ठीक है e टू दी पावर x स्क्वायर, सब में डिवाइड दे दो, इसको नीचे मिलेगा तो प्लस 1 बाई 2 इंटू कितना e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, ये तो कट गया यहाँ से, तो वाई बराबर इधर बचा 1 बाई 2, इसको ऊपर ले जाओगे तो ई टू दी पावर एक्स का पावर कितना माइनस 2 बट्टा में 2, या तो इतना आंसर लिख दो या नहीं तो 2 एलसीएम लेकर के 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स का पावर माइनस 2, 2 को इधर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स का पावर माइनस 2, आप इतना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है समझ में आ गया। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 38 नंबर क्वेश्चन है, dy / dx + 2y बराबर e टू दी पावर माइनस 2x * sin x और गिवन दैट y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 0, राइट। तो हमने यहां पर सबसे पहला काम क्या किया, सॉल्यूशन लिख लिया और यहां पर इसमें क्वेश्चन को लिख लिया। तो p का वैल्यू क्या होगा, y को छोड़कर जितना होगा p का वैल्यू, तो p का वैल्यू यहाँ कितना सिर्फ 2 होगा, q का वैल्यू बराबर के इस साइड जितना भी होगा वो q का वैल्यू e टू दी पावर माइनस 2x
एल टू साइन एक्स। अब क्या निकालना है हमें, आई एफ। तो आई एफ बराबर क्या फॉर्मूला, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ई टू दी पावर कितना, इंटीग्रेशन ऑफ टू डी एक्स। तो टू का, टू एक्स का क्या, टू डी एक्स का कितना इंटीग्रेशन होगा, तो टू एक्स होगा। ठीक है, ये निकला हमारा आई एफ। ठीक है, नाउ अब फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू आई एफ बराबर आई एफ इंटू क्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, राइट। अब यहां देखो y तो ठीक है, आई एफ, आई एफ की जगह पर क्या लिखेंगे, e टू दी पावर टू डी एक्स, टू एक्स। फिर आई एफ की जगह e टू दी पावर टू एक्स इंटू क्यू, क्यू की जगह पर e टू दी पावर कितना, माइनस टू एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहां ध्यान से देखो, इस दोनों का पहले मल्टीप्लीकेशन करना होगा क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, y बराबर y इंटू 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 सॉरी y इंटू ई टू दी पावर टू एक्स। यहाँ देखो बेस सेम है, पावर ऐड होगा, तो ई टू दी पावर टू एक्स माइनस टू एक्स, देखो ना दोनों का पावर सेम हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स। वाई ठीक है, ई टू दी पावर टू एक्स, यहाँ पर कितना, ई टू दी पावर टू एक्स में से टू एक्स गया तो जीरो। ठीक है, अभी बताए हैं e टू दी पावर टू एक्स, तो ठीक है किसी भी चीज़ का पावर जीरो कितना होगा, वन। तो वन इंटू साइन एक्स, यहाँ पर तो क्या सिर्फ साइन एक्स बच जाएगा, इधर डी एक्स। अब y बराबर कितना, e टू दी पावर टू एक्स। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म c। ठीक है, अब क्या पुट करेगा, बोलो पुट। y बराबर कितना, देखो इधर बंदा लोग, जीरो। उसके बाद क्या, x बराबर जीरो एंड x बराबर कितना, जीरो। जहां जहां y है वहां वहां जीरो, जहां जहां x है वहां वहां जीरो पुट करेंगे। y की जगह जीरो, e टू दी पावर कितना, टू इंटू जीरो, जीरो बराबर माइनस कॉस जीरो प्लस c। किसी भी चीज का पावर जीरो तो वन, वन इंटू यहां पर जीरो, जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा टर्म जीरो माइनस। ठीक है, कॉस जीरो कितना होता है, वन प्लस c। तो c बराबर कितना, इसको इधर ले आओगे तो माइनस से प्लस वन हो जाएगा। c का वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर दो, यहां पुट c इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, y e टू दी पावर x इज इक्वल टू माइनस cos x और प्लस कितना, वन। ठीक है, तो या तो इतना आंसर लिख दो या नहीं तो थोड़ा सा और चेंज कर दोगे, तो वन को पहले इधर से माइनस कॉस एक्स को बाद में लिख दो। तो वाई ई टू दी पावर कितना, टू एक्स। अब वन माइनस कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है ना, हम इतना ही आंसर लिख सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ पर आंसर लिख दोगे, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है ना, आपके बुक में इसका जो आंसर है मिस्टेक है, इसका फाइनल आंसर यही होगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 39 नंबर क्वेश्चन है, 1 प्लस एच स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू एक्स वाई बराबर फोर एक्स स्क्वायर, जहां एक्स और वाई दोनों का वैल्यू क्या दिया है, जीरो। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, अरे बोलो क्या करेंगे हम, इसको सोल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कौन सा, टू एक्स वाई, अब बराबर में फोर एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन को फिर ध्यान से देखो, क्या डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ क्या हो गया, फिर एक साथ पकड़ लिया। नहीं, जैसे हम लोग क्या जाते हैं, हम लोग के घर पर क्या होता है, कभी कभी छुटका जो ना भांजा भांजी से बात है ना, कहीं मार्केट निकलो झोला लेके गाड़ी लेके साथ धर लेगा, तो उसको ऐसे नहीं है कि मार के नहीं भगा सकते, मार के भगाएंगे बवाल हो जाएगा। नहीं, उसको बड़े प्यार से हम लोग समझाते हैं कि बुआ तुम घर में रहो, बाहर में पुलिस उलिस पकड़ लेगा। ठीक है ना, सेम इसी प्रकार से यहाँ इसको क्या कर सकते हैं, तो मिटा सकते हैं, काट सकते हैं, नहीं क्या करेंगे, एकदम प्यार से कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन। तो इधर से क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बोलता है, हम अकेले रहेंगे तो रहो अकेले, कौन मना करता है, आ जाओ तुमको अकेले करते हैं। कॉमन ले लिए तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा, आगे बढ़ोगे तो इसमें तो वन प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसमें लग जाएगा डिवाइड, सिंपल सा रूल है। अब बराबर में इधर फोर एक्स स्क्वायर, राइट। अब ये वाला टर्म इसके नीचे में चला आएगा, यहाँ क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये वो डी है प्लस, देखो वाई को अलग लिखो, बाकी जितना भी वाई के अलावा जितना भी टर्म रहेगा उसको ब्रैकेट में लिख लो, ये स्क्वायर, यहाँ फोर एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
ये किसका वैल्यू, पी का वैल्यू, तो पी बराबर कितना 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये किसका वैल्यू बराबर के साथ जितना भी होगा वो q का वैल्यू, ठीक है। अब चलो अब हमें क्या निकालना है, if, if का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर्मूला e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, राइट। अब यहां देखो e टू दी पावर p, p का वैल्यू कितना 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx, नीचे वाले टर्म को मानो, लेट z बराबर कितना 1 प्लस x स्क्वायर, डिफरेंशिएट करो dz अपॉन dx, 1 का 0, x स्क्वायर का 2x, ऊपर में क्वेश्चन में 2x है तो ठीक है, तो 2x यहां रहने दो, dx को इधर ले आओ, ठीक है। अब यहां देखो if बराबर कितना हो जाएगा, थोड़ा इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, e टू दी पावर कितना है 2x इंटू dx की जगह पर कितना dz, बट्टा में कितना 1 प्लस x स्क्वायर, इसके जगह पर क्या माने हैं z, e टू dz बट्टा z का इंटीग्रेशन कितना होगा log z, log e टू दी पावर log z कितना होता है z होता है, z के जगह पर क्या पुट करेंगे 1 प्लस x स्क्वायर, तो फाइनली if कितना निकला 1 प्लस x स्क्वायर निकला, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या होता है, नाउ सॉरी यहां लिखेंगे नाउ y इंटू कितना if बराबर में if इंटू q इंटीग्रेशन कितना dx, ठीक है। y तो ठीक है, if, if की जगह पर क्या लिखेंगे 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर if की जगह पर डाल दो q, q का वैल्यू कितना 4x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर बाय 1 प्लस कितना x स्क्वायर इंटू dx, ये वाला टर्म कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ बचा कितना 4 को बाहर कर दो कॉन्स्टेंट है, यहाँ रहा x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ देखो y अपने जगह पर ठीक है, 1 प्लस x स्क्वायर भी ठीक है, 4 भी ठीक है, x का पावर 2 है तो इसका इंटीग्रेशन x का पावर 3 बाय 3 प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म c, ये रहा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे x और y की जगह पर 0 पुट करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे पुट y बराबर 0 एंड x बराबर 0, तो कितना होगा, हाँ बोलिए, हाँ बंच है, मौसम देखिए कितना अच्छी है, शोरों से बंच खाली ऑफिस बाहर में जो टेबल सब छे ने वो कसके दीवाल के लगा के खाली रख दो बस, अति में जिन्ना से इन्हें बेसी अंदर नहीं करवे, दीवाल साइड में खाली कर दो, हाँ हाँ ठीक, हाँ। तो बच्चों आ जाओ y बराबर 0 x बराबर 0, तो y की जगह 0 देंगे तो यहाँ 0 लिखो, 1 प्लस कितना x स्क्वायर के बराबर 0 दोगे 0, 4 इंटू कितना 0 का पावर क्यूब बट्टा में 3 प्लस c, 0 इंटू समथिंग 0, यहाँ पर देखो ये 4 इंटू 0 बट्टा समथिंग, ये तो सारा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा c, तो c का वैल्यू कितना निकला 0, c का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पुट c बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, C is equals to 0 in equation first. समझ में आ रहा है जी, भेजा में घुसा है ना बात, ठीक है, एकदम इजी वे में स्टेप बाय स्टेप पूरा बेसिक को लेकर के हम समझा रहे हैं, ठीक है। आप अगर ईमानदारी से पढ़िएगा ना तो फोड़ के आओगे एग्जाम में, बेईमानी करोगे तो आप फुट करके आओगे, समझ में है, ऑप्शन आपके हाथ में है, फोड़ के आना है या फुट के आना है, ठीक है। तो चलो बच्चों अब यहाँ पर देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y इंटू 1 प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे हम y इंटू 1 प्लस x स्क्वायर बराबर 4x क्यूब बट्टा में 3 और प्लस c का वैल्यू 0, तो यहाँ पर क्या बचेगा देखो y ठीक है, इस वाले टर्म को इसके नीचे ले आओ, तो 4x क्यूब अपॉन यहाँ पर कितना है 3 है इंटू 1 प्लस x स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाए, समझ में आ गया, क्लियर है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन है, x dy upon dx minus y बराबर log x given that y का वैल्यू 0 एंड x का वैल्यू 0। फिर क्वेश्चन को देखोगे तो क्या करेंगे हम, पहला स्टेप सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ एकदम बड़े प्यार से एकदम कॉपी में प्रेजेंटेशन बढ़िया से देना है, ठीक है। अब यहाँ जो क्वेश्चन है x dy upon dx minus y बराबर log x, इसको लिख लिया है, x का साथ dy upon dx किसका साथ, किसके साथ कौन धर लिया x, इसको क्या करेंगे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे कॉमन लेकर के, y में x नहीं है इधर डिवाइड दे दो, यहाँ हो जाएगा log x, ठीक है।
अब यहां देखो dy अपॉन dx तो बिल्कुल सही है, ये x इसके नीचे चलाएगा, यहां देखो माइनस वन माइनस, यहां प्लस दो, माइनस वन बाई एक्स को ऐसे लिख दो, यहां y, यहां हो जाएगा log x बाई x, ऐसे कर सकते हैं। अब p का वैल्यू, ये हो जाएगा p का वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा q का वैल्यू, तो p बराबर कितना माइनस वन बाई एक्स और q बराबर कितना log x बाई x, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे आई एफ, e टू दी पावर कितना इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e टू दी पावर p, p का वैल्यू माइनस वन बाई एक्स, माइनस को बाहर रखो इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा e टू दी पावर कितना माइनस वन बाई एक्स का कितना हो जाएगा log x, ये माइनस ऊपर में चल जाएगा तो log x का पावर कितना माइनस वन, तो यहाँ कितना हो जाएगा x का पावर कितना माइनस वन, तो माइनस वन को कितना वन बाई एक्स लिख सकते हैं। तो आई एफ फाइनली कितना निकला हमारा, आई एफ कितना निकला वन बाई एक्स। नाउ अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू आई एफ बराबर आई एफ इंटू क्यू इंटीग्रेशन कितना इधर dx, y तो ठीक है, आई एफ की जगह पर कितना वन बाई एक्स लिखेंगे, तो यहाँ वन बाई एक्स लिखिए, आई एफ है तो यहाँ x लिखिए, q का वैल्यू log x बाई एक्स, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग log x बाई एक्स इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा y अपॉन x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर सब्सिट्यूट करना पड़ेगा log x को, मानना इसको मानेंगे हम, लेट हमने माना z इज इक्वल्स टू कितना log x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा dz बट्टा कितना dx इज इक्वल्स टू log x का कितना होगा 1 बाई एक्स, log x का कितना होगा 1 बाई एक्स, तो यहाँ dz इज इक्वल्स टू dx बाई x, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और देखो, यहाँ पर देखो y अपॉन यहाँ पर ये तो x हो जाएगा, यहाँ देखो dx अपॉन x इसके जगह पर कितना हो जाएगा, बोलो बोलो इसके जगह पर कितना हो जाएगा dz, log x के जगह पर कितना हो जाएगा z, ये 1 बाई एक्स है, अब बोलो x के जगह पर कितना, x के जगह पर कितना। अब देखो यहाँ x को फ्री करेंगे, क्या करेंगे हम इस x को फ्री करेंगे, तो इधर वाला टर्म क्या हो जाएगा x बराबर कितना e टू दी पावर कितना माइनस z, यहाँ पर e टू दी पावर कितना माइनस z इंटू डी जेड, ठीक है। अब ये रहा हमारा फर्स्ट टर्म, ये रहा सेकेंड टर्म, अब इसका इंटीग्रेशन u इंटू v पे जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे y अपॉन x, क्या नियम है फर्स्ट टर्म को रेस्ट करेंगे, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन, तो ये सेकेंड टर्म है e टू दी पावर माइनस z इंटू डी जेड माइनस फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड टर्म का फिर से इंटीग्रेशन, माइनस के बाद पूरे होल का इंटीग्रेशन डी जेड, ये भी z है z, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ y अपॉन x तो बिल्कुल सही है, z e टू दी पावर माइनस z का कितना होगा माइनस z अपॉन कितना माइनस वन dz बट्टा z वन, तो e टू दी पावर माइनस z का इंटीग्रेशन, अब प्लस कितना इधर सॉरी इंटू z, अब यहाँ देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा y अपॉन x, ये वाला माइनस को ऐसे लिख लो माइनस z e टू दी पावर माइनस z, यहाँ माइनस माइनस मिलके प्लस e टू दी पावर कितना माइनस z इंटू dz, ठीक है। यहाँ कितना हो गया y अपॉन x तो बिल्कुल सही है, बराबर में माइनस z e टू दी पावर माइनस z, e टू दी पावर माइनस z का फिर से माइनस e टू दी पावर कितना माइनस z अब प्लस, ठीक है। अब देखो y अपॉन x तो सही है, z z के जगह पर क्या लिखेंगे log x, जहाँ z है वहाँ कितना log x, e टू दी पावर माइनस z के जगह पर कितना लिखेंगे हम x लिखेंगे, फिर e टू दी पावर माइनस z है इसके जगह पर क्या लिखेंगे हम फिर x लिखेंगे प्लस c, ये रहा हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे x और y का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुट x बराबर कितना 1 एंड y बराबर 0, तो यहाँ कितना होगा देखो y का वैल्यू 0 x का वैल्यू 1, यहाँ लिखेंगे माइनस log x का वैल्यू 1 x के जगह पर भी, तो x के जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 प्लस c, तो यहाँ कितना 0 बट्टा समथिंग 0, यहाँ देखो माइनस तो ठीक है log 1 का वैल्यू 0 होता है, यहाँ माइनस 1 प्लस c, यहाँ कितना हो जाएगा ये 0, यहाँ पर ये भी 0, यहाँ बचेगा माइनस 1 प्लस c, ठीक है।
आज क्लास छोड़ दो, बंद की हूँ मैं, बंद की है, बंद की है। 2 दिन से क्लास इसीलिए बंद की होती कि बच्चा सब नहीं आ पाता था। पूरा कल क्लास का पूरा बुखार में थे। अरे अरे एक बार कॉल कर लेता ना, वही मिस्टेक। छोड़ दो, कल एक बार बात कर लेना, ठीक है? ऐसे लेकिन कल कुछ भी रहेगा, कल से क्लास खोलेंगे। ग्राउंड भी देखते हैं। हाँ ग्राउंड भी देखते हो, कैसा हो गया इसमें ट्यूटी बढ़ाना, ठीक है? वो ठीक। तो देखो सी का वैल्यू क्या करेंगे, इधर आ जाएगा तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस वन। सी का वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कीजिए, तो यहाँ लिखेंगे पुट सी इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ कितना हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू, देखो माइनस है, ई वाला एक्स को पहले लिख लो, तो माइनस एक्स यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स, यहाँ पर कितना माइनस एक्स, यहाँ सी का वैल्यू कितना है वन है, तो यहाँ पर हमारा प्लस वन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस वन। तो फाइनल आंसर हमारा यही हो जाएगा, नहीं होगा या नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। नहीं तो क्या करो, वन को पहले लिख दो फिर माइनस एक्स माइनस को बाद में लिख दो, इतना ही आंसर लिख दो यार, कितना इसको ब्रेक करते रहेंगे हम, ठीक है? समझ में आ रहा है, क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं हम आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं एक बार जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कहाँ तक सीख रहे हैं, ठीक है?